भाई लोग एक बात तो तय बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह के अगर कोई हिलावे लायक एकमात्र इंसान बा तो सिर्फ खेसारी लाल यादव बड़न। अच्छा अब तो हम लोग कहल कि खेसारी भैया ऐसा कौन तीर मार दिलन कि पवन सिंह के हिला दिलन। तो भाई लोग हम ये बात कॉम्पिटिशन के ना कॉन्ट्रोवर्सी के करते नहीं। ठीक है समरिया। भाई लोग तो हमको पता हो कि पवन सिंह के जौन बलिया में स्टेट शो करला जैसे पवन सिंह के ऊपर कोनो नीच बहया इंसान पत्थर चढ़ा दिलस ये जैसे पवन सिंह बहुत ज्यादा भावुक होकर लन गुस्सा में आ गए लन और स्टेज पर से उतर गए लन। जब वह बात खेसारी लाल यादव से पूछाई ला कि पवन सिंह के ऊपर कोनो ढेला चला दिलस ये बलिया में तो उनका प्रतिक्रिया कुछ ऐसा रहा ला। मुझे लगता है कि बलिया जिले में कई घटना है तो उनका ससुराल वही है कोई मजाक कर लिया कोई मजाक कर दिया होगा। बताओ लो कोनो सुपर स्टार के ऊपर ढेला चल जाता पत्थर चल जाता और चोट लग जाता वह में इनकर मजा लेवे के बा। मान लो अगर पत्थर ना रहे तो वह कोनो गोली चला दिल तब तो ही मजा ले रहता तू। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? शायद खेसारी भैया भूल गए बड़न कि नेपाल में इनकरो एक बार गाड़ी उड़ी फूक दिल रहसन कूच उच के फोर ओर के फूक दिल रहसन कहीं सोमिया पोखरल खातिर ना फूक दिल रहसन पाहुन सच समझ के तक फूक दिले रहसन तोहरो गाड़ी मजाक कर दिल हो सन। अच्छा अब भाई लोग खेसारी भैया के हमनी के काम मजा लिया जा असली मजा तो हमनी के बुढ़वा बाबा दिलन सारी प्लास्टर के साड़ी पहन के रावटी से समान में जाते समय कितने बच्चे उनके गांव में मरी किए और पूरे खानदान को घसीट दूंगा। हाँ ये मैं तो पहले रहा तू भाई लोग एक बात तो हम लोग पता ना हो कि खेसारी भैया हमनी के खाली सिंगर एक्टर ना हुआ ये आजकल राजनीति कर लन मतलब का भाषण सुन बलो इनकर एगो स्टेज में चढ़ दियन तो मतलब इतना भाषण दियन कि एगो मंत्री फेल हो जाए इनकर आगे आ वे अगर बिग बॉस सेशन में चल दियन बिग बॉस में चल दियन तो बकार ना निकले मुँह से। हाँ 6 महीना डिप्रेशन में चल गए रहनी हम 6 महीने तक रोता रहा 6 महीने लगे मुझे निकलने में। वह खेसारी लाल यादव हुआ जौन पवन सिंह के अगर कोई बड़ा गाना आ गए अगर बड़ा कोई फिल्म आ गए तो कंट्रोवर्सी बना के गिराए में इनकर थोड़ा सा टाइम ना लगेगा चाहे वो खातिर रोए के कहना पड़ जाए इनकर। बट कोई नहीं अगर आप लोग को लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ तो प्लीज आप लोग बोलिएगा मैं भजब। अब वो हीरो बनते हैं तो थोड़ा सा एज ग्रुप हो गया है अब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा अंकल टाइप का होता है कभी कोई का अंकल बना दियन और कभी तो हेसन बात बोल दिलन। आई हम दावा ठोक के कहता नहीं कि मरियो जो है तो उकरा घर में सोहर ना हो। अबे कब तब की कुल कर बलो भोजपुरी के साथ साथ लेके चल लो वो आगे तो उनको जाए तो तुम आगे बढ़ो लेकिन ना तो के तो बस कंट्रोवर्सी में चले गा। भाई लोग तो के क्या लगे खेसारी भैया कंट्रोवर्सी कर लन कि ना कमेंट बॉक्स में अपन अपन राय जरूर दिहलो। बस वीडियो के एंटरटेनमेंट पर्पज खातिर रहला तक दिल पर लेवे कोनो जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग हमसे बात करके बने तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के लिंक बाद चल जाओ जो हमके बात कर सकल। बस मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय।